नए पाकिस्तान में महंगाई के चक्कर आवाम को दाल रोटी के लाले पड़ गए। क्या पकाएं क्या खाएं, सुबह शाम यही फिक्र। चावल चीनी दाल बेसन सब कुछ महंगा। दाल माच 35 रुपए किलो महंगी, दाल चना 14 रुपए, दाल मूंग काले चने 10 रुपए, बेसन 6 रुपए किलो महंगा, नया चावल 4 रुपए, पुराना चावल 10 रुपए किलो महंगा हो गया। दाल रोटी के बाद ब्रॉयलर की भी ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए फी किलो मजीद महंगा, ब्रायलर 273 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। सब्जी की कीमतों को भी आग लग गई, अदरक 195 रुपए किलो, सब्ज़ मिर्च 65 रुपए किलो, शहरी परेशान, कीमतें कम करने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफीक की मुश्किलात में मजीद इजाफा, नैब ने रेलवे लोकोमोटिव में मुबैना करप्शन का खाता खोल लिया। महंगे दामों इंजन खरीदने का इल्जाम, एक हाजिर सर्विस और दो रिटायर्ड अफसरान 26 नवंबर को तलब। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर शाहिद अजीज, साबिक अफसरान तारिक खान और मजीद बेग को नोटिस जारी। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की अरबों रुपए की जायदाद का इंकशाफ। अली टावर एम एम आलम रोड पर 67 दुकानें और दफातर, अली सेंटर में 50 दुकानें और दफातर अली इमरान की मलकियत। अली एंड कंपनी, अली एंड फातिमा डेवलपर्स, गौसे आजम डेवलपर्स और अली प्रोसीड डेवलपर्स में भी करोड़ों के शेयर्स। मदीना फूड्स प्रोसीड के 1,25,00,000 के शेयर्स के मालिक। डीएचए में 2 कनाल का रिहायशी प्लॉट, नैब ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। बेसहारों और परदेशियों की सुनी गई, वजीर आजम को सर्दी में रात फुटपाथ पर गुजारने वालों के फिक्र, शेल्टर होम बनने तक आरजी शामियाने लगाएं, खाना भी पहुंचाएं। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब को ट्वीट में हिदायत। सौ रोजा प्लान, एलडीए की कारकर्दगी 0.0। नए मंसूबे का आगाज तो दूर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार ना हुई, किसी प्रोजेक्ट पर तकमील की तख्ती भी ना लगी। एलडीए अफसरान की भाग दौड़ सिर्फ शेल्टर होम तक महदूद। कैनाल रोड अंडरपासेस की तामीर मुरम्मत पर एलडीए का यू टर्न, 27 के बजाय सिर्फ 8 अंडरपासेस की मरम्मत और बहाली होगी, बाकी का अल्लाह हाफिज। मंसूबे को 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का फैसला। बजट मुस्तरद क्यों हुआ, एडी अफसरान ने सर जोड़ लिए। प्री बजट इजलास में बजट मंजूर ना होने की वजूहात पर गौर, ऑरेंज ट्रेन के ठेकेदारों को वाजिबात की अदायगी बजट की मंजूरी से मशरूत। 38 अरब रुपए के बजट में कोताहियों की निशानदेही। साफ पानी अहले लाहौर के लिए ख्वाब बन गया, 550 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से पेशतर बंद। शहरी आलूदा और जंग आलूद पानी पाइपलाइंस का पीने पर मजबूर। सहाफी कॉलोनी, धर्मपुरा, गवाल मंडी, गुलस्तान कॉलोनी और जमान पार्क में वाटर प्लांट्स बंद। बंद रोड इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, चुंगी, अमर सिद्धू और मनावा में फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी ताले। वजीर आजम इमरान खान के घर जमान पार्क में मौजूद प्लांट भी अरसा दराज से खराब, लोग नलके तक उतार कर ले गए। वजीर आजम के घर के बाहर यह सूरत हाल है, शहर के दूसरे इलाकों की सूरत हाल तो इससे भी बदतर है। शहरी लाहौर न्यूज के आगे फट पड़े, वाटर प्लांट्स की बंदिश का मामला पंजाब असेंबली तक पहुंच गया। नून लीग की हिना परवेज भट्ट ने करारदाद असेंबली में जमा करा दी। तेज रफ्तारी लेन की खिलाफ वर्जी, 5000 ई चालान तैयार। 26 नवंबर से हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर चालान घरों को भेजे जाएंगे। शहर भर में नस्ब 4800 कैमरे शहरियों की नकलो हरकत की पल पल खबर देने लगे। पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल, सूबे भर में दफा 144 नाफिज, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, कानून को हाथ में लेने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फजील असगर, दफा 144 का नफाज 1 दिसंबर तक रहेगा। मॉडल टाउन से अगवा होने वाली बच्ची के केस का ड्रॉप सीन, पुलिस ने 3 साल ईमान फातिमा को बाजियाब करा लिया, अगवाकार बच्ची का रिश्तेदार निकला। डीएसपी जुल्फिकार भट्ट ने अपने दफ्तर में बच्ची को वालिद के हवाले किया।
माजूर अफराद के तहफ्फुज़ के लिए चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का ऐसा इकदाम, माजूर अफराद की नौकरियों के कोटे के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म, तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मुरासला जारी। पंजाब भर के अजला में हेल्थ काउंसिल्स की इस्तेदादकार बढ़ाने का फैसला, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेरे सदारत सीओज हेल्थ का वीडियो लिंक इजलास, अस्पतालों में जरूरी और हंगामी उमूर की मंजूरी हेल्थ काउंसिल से ली जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लियाकत अली मलिक का लिबर्टी खिदमत मरकज और ड्राइविंग स्कूल का दौरा, शहरियों की सहूलत के लिए किए गए इकदाम का जायजा, सीटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए शहरियों के मसाइल भी सुने। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में सीने की तेजाबियत के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने की तमन्ना, सपने सजाए कौमी हॉकी टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत चली गई, कप्तान रिजवान सीनियर मेगा इवेंट में सरप्राइज देने के लिए पुरअज़्म। दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। जुदागाना स्लूब, खूबसूरत इस्तारे, खुशबू की शायरा, तशबीहात से लफ्जों को सवारने वाली शायरा परवीन शाकिर की आज 66वीं सालगिरह, इनकी मुनफरिद शायरी अदब के फलक पर पूरी आबोताब से रोशन।